नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा मखारिया है ऑफ स्टाइल प्रेयर। मुझे ज्वेलरी इन्फ्लुएंसिंग करते 4 साल हो गए एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में मुझे 17 साल हो गए। ज्वेलरी अब पहनूं या ना पहनूं, सपने भी उसके आने लग गए। सो ज्वेलरी की अहमियत मेरी लाइफ में किस तरह से आई, एक्चुअली स्टाइलिंग की अहमियत किस तरह से आई, जब मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती थी तब मुझे लगता था कि सिर्फ ज्वेलरी बनाने से ही उसकी सुंदरता नहीं दिखती, बट उसको पहनने से वो ज़्यादा सुंदर दिखती है। एंड उसको किस तरीके से पहना जाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरीके के ज्वेलरी किन कपड़ों के साथ पहने, उनका पहनावा कैसा हो, उनका मेकअप कैसा हो, उनके बाल कैसे हो, और ज्वेलरी उसके साथ कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कॉम्प्लीमेंट कर रही है, वो अक्सर भूल जाते हैं। सो उस वजह से मैंने ज्वेलरी स्टाइलिंग चूज की एंड इन्फ्लुएंसिंग चूज की, ताकि मैं लोगों को और दर्शकों को बता सकूं कि आप ज्वेलरी पहनना कितना इम्पोर्टेंट, किस तरीके से पहनना कितना इम्पोर्टेंट है एंड उसको स्टाइल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो मेरे 17 साल का जो एक्सपीरियंस है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में, मैं आपसे वो कुछ मिनटों में तो पूरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकूंगी। सो मेरे इतने सालों की एक्सपीरियंस, जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं आप सब दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। अक्सर जब हम शादी में जाने के लिए या कोई फंक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं, हमें कंफ्यूजन होता है कि हम ज्वेलरी पहले डिसाइड करें या कपड़े पहले डिसाइड करें, या दोनों डिसाइड हो जाती है तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा। तो मैं इस एपिसोड में आपको ये बताना चाहूंगी कि आप किस तरह की ज्वेलरी, अगर आपको वेडिंग अटेंड करनी है या कोई ओकेजन अटेंड करना है तो आप क्या पहन सकते हैं और उसका उसके साथ आपका पहनावा कैसे होना चाहिए। सो आइए मैं आपको इस सेशन में दिखाती हूँ मेरा फर्स्ट लुक, जिसमें मैंने ये क्लासिक आउटफिट पहना है गोटा वर्क के साथ बाय सुकृति एंड आकृति, एंड उसके साथ मैंने स्टाइल की है ये पोलकी ज्वेलरी विच इज बाय अनकट द पोलकी स्टोरी। सो आप इसमें देख सकते हैं ये जो इयररिंग्स है, इसमें कितनी डेलिकेटली उन्होंने बर्ड की मोटिफ्स बनाई है, जो पैरेट एक कॉमन मोटिफ है हमारे इंडियन ज्वेलरी में। पैरेट, पीकॉक, एलिफेंट, दीज आर सच कॉमन एंड ब्यूटिफुल मोटिफ स्पेशली इंडियन ज्वेलरी के लिए। सो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो पोलकी ज्वेलरी के साथ सिर्फ पोलकी ही पहने, बट आज आप देखेंगे तो मैंने पोलकी को एक अलग फॉर्म में पहना है विद टेम्पल ज्वेलरी। सो टेम्पल ज्वेलरी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। टेम्पल ज्वेलरी इज स्पेशली एक साउथ इंडिया की स्पेशलिटी है, जो इंडिया के टेम्पल्स से इंस्पायर्ड होके गोल्ड ज्वेलरी में बनती है। सो इसमें मोटिव्स जैसे गणेश जी है, शिव पार्वती है, हनुमान जी है, राधा कृष्णा है, ये बहुत पॉपुलर मोटिव्स है जो टेम्पल ज्वेलरी में यूज होते हैं। सो आप जैसे इस नेकलेस में देखेंगे,
इसमें हमने सेंटर में इसमें गणेश जी यूज किया है एंड यहाँ पे जो जड़ाई हुई है इसकी वो पोल की रूबी और एमरल्ड की है। सो इसमें जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मोती की माला में पिरोया हुआ है और इसको अलग अलग स्टेशंस बीच में दिए हैं ताकि उसमें एक थोड़ा सा अलग सा ही लुक आए। एंड पोलकी ज्वेलरी के बारे में बताते हैं, तो पोलकी को हम इंडिया में पोलकी कहते हैं बट उसको इंग्लिश में अनकट डायमंड कहते हैं। एंड अनकट डायमंड होता है जो डायमंड का रॉ फॉर्मेट होता है, रॉ लुक होता है जब डायमंड्स खान से निकलते हैं और उसको उसकी जो छिलाई है या उसका शेप दिया जाता है उसको अनकट डायमंड बोलते हैं। ये डायमंड जो पॉलिश डायमंड होते हैं उससे अलग होते हैं। अनकट डायमंड को आप जब ज्वेलरी डायमंड फैक्ट्री में कट एंड पॉलिश करते हैं तब वो पॉलिश फॉर्म में आते हैं। तो बात करते हैं आगे लुक के बारे में। टेम्पल ज्वेलरी का ये जो नेकलेस है मैंने उसको एक चोकर के साथ लाइक अ शॉर्ट नेकलेस पहना है ताकि इसमें लेयरिंग का लुक दिखे। एक शॉर्ट नेकलेस है और एक लंबा नेकलेस है। इसके साथ जो मैंने इयररिंग्स पेयर किए हैं वो पोलकी में है बट इसमें आप देखेंगे रूबीज थोड़े हल्के रंग के हैं तो हमने यहाँ कॉन्ट्रास्ट भी दिया है कलर्स में। यहाँ पे गहरा रंग है और यहाँ पे लाइट रूबीज का रंग है उसमें विद अ पीकॉक मोटिफ। सो जड़ाऊ ज्वेलरी में अगर आप देखेंगे जनरली पीकॉक्स, एलिफेंट्स, कैमल्स, ये पैरट्स, इस तरीके के बर्ड मोटिव्स या एनिमल मोटिव्स बहुत यूज होते हैं। एंड इंडिया में जितने भी महल है, फोर्ट्स है, टेंपल्स है, दे प्ले अ वेरी बिग इंस्पिरेशन इन द ज्वेलरी ऑफ इंडिया। सो जैसे आप यहाँ वापस देखें ये इयररिंग को मैंने पेयर किया है इस नेकलेस के साथ एंड लंबा जो हार है हम इसे रानी हार भी कहते हैं इंडिया में, तो रानी हार इन टेम्पल ज्वेलरी उसी के साथ जो मैंने गोल्ड पहना है उसके साथ ये मैच हो रहा है। एंड इनफैक्ट डायमंड का लुक कॉन्ट्रास्टिंग में विद दिस कलर्स इज गिविंग अ कंप्लीट लुक एंड नॉट मेकिंग इट वेरी हैवी एंड नॉट वेरी लाइट ऑल्सो फॉर एनी ओकेजन। नेक्स्ट लुक हम देखेंगे इन डायमंड ज्वेलरी। सो आप ये जैसे नेकलेस देख सकते हैं इसमें फैंसी डायमंड्स के तीन लेयर्स दी गई है एंड ऑल द वे पीछे तक डायमंड्स यूज किए हैं। सो जब मैं फैंसी शेप डायमंड्स के बारे में बताती हूँ इसका ये मतलब है कि राउंड के अलावा जो शेप्स है उन्हें फैंसी शेप्स कहते हैं। सो इसमें आप जैसे देखेंगे पैर भी है, माकी शेप भी है, हार्ट भी है, प्रिंसेस भी है एंड एमरल्ड कट भी है। सो दीज आर ऑल द फाइव फैंसी शेप्स। बट फैंसी शेप्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है बस हमने इस ज्वेलरी में जो पहनी है ये फाइव शेप्स है। सो इस नेकलेस की एक और खासियत है कि आप इसको तीन लाइन के बदले इसको डिटैच करके सिंगल लाइन भी पहन सकते हैं। सो इधर वे यू कैन वेयर वन लाइन, आप दो लाइन भी पहन सकते हैं और एकदम वेडिंग वेयर या इवनिंग वेयर के लिए करना है तो आप इसको तीन लाइन भी कर सकते हैं। और इस ज्वेलरी को आप सिर्फ इंडियन वेयर नहीं, आप इनफैक्ट रेड कार्पेट लुक हो या ब्लैक ड्रेस हो या कोई भी आपकी इवनिंग वेयर गाउन हो आप उस पे भी इसे पहन सकते हैं। सो फैंसी शेप्स इनफैक्ट लोग जनरली क्लासिक राउंड में बिलीव करते हैं एंड जो सिंगल लाइन की स्ट्रैंड होती है वो जनरली राउंड डायमंड में बनती है। बट टू मेक इट मोर फन, मेक इट मोर एलिगेंट एंड टू प्ले अराउंड विद अ लिटिल डिफरेंट शेप्स आपको ये शेप्स ट्राई करने चाहिए विच इनफैक्ट आपके लिए ये नेकलेस कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा बिकॉज इसमें आपने अलग अलग फैंसी शेप डायमंड यूज किए हैं विच इज अ लिटिल लेसर प्राइस देन द राउंड डायमंड। थर्ड लुक हमारा नवरत्न ज्वेलरी में होगा विद पोलकी। तो आइए देखते हैं हम कि हमारा थर्ड लुक कैसा लगेगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं नवरत्न का मतलब है नाइन जेमस्टोन्स। सो नाइन जेमस्टोन्स में कौन कौन से आते हैं,
ये आप देखेंगे ये गार्नेट है, हेजोनाइट गार्नेट जनरली यूज होता है नवरत्न में। ये आप देखेंगे येलो सफायर, ये है एमरल्ड, रूबी, नीलम जिसको ब्लू सफायर कहते हैं, कैट्साई, कोरल एंड एक और होता है डायमंड। सो डायमंड यहाँ पे है, पर्ल्स भी यहाँ है। सो मैं इनफैक्ट आपको इनके हिंदी नाम भी बताऊंगी ताकि आप जान सके कि इंडिया में इसे क्या कहते हैं। इसको कोरल को मूंगा कहते हैं, कैट्साई को तो कैट्साई ही कहते हैं, ब्लू सफायर को नीलम कहते हैं, रूबी को मानिक कहते हैं, एमरल्ड को पन्ना कहते हैं, येलो सफायर को पुखराज कहते हैं एंड गार्नेट को गोमेट कहते हैं एंड डायमंड को तो हीरा कहते हैं एंड पर्ल्स को मोती कहते हैं। सो नवरत्न का ये जो नेकलेस है इसको मैंने स्टाइल किया है नवरत्न इयररिंग्स के साथ और इसमें एक बोल्ड कफ भी साथ में पहना है जिसमें बीच में बड़ा कैबिशॉन एमरल्ड है, रूबीज है और पोलकी है। तो इसका इसका आप लुक जैसा देखेंगे ये एंटीक लुक दिया गया है इस ज्वेलरी में। एंड नवरत्न क्या होता है जनरली लोगों को लगता है वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए ही लोग इंडिया में पहनते हैं, पर ऐसा नहीं है। नवरत्न लुक आप ज्वेलरी में भी यूज कर सकते हैं एंड इनफैक्ट इस साल नवरत्न ज्वेलरी इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग अ लॉट क्योंकि हम यूजुअली जनरली सिर्फ पोलकी ज्वेलरी पहनते हैं। हम उसमें अलग अलग जेमस्टोन्स के साथ ट्राई कोशिश करते हैं कि हम ट्राई ना करें, बट अगर आप इस लुक को देखेंगे तो आप ये टाइप की ज्वेलरी किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। एक क्योंकि इसमें इतने सारे रंग है तो वो आपके कलर्स जो भी आप कलर पहने उससे मैच होगा। सेकेंड इसमें अलग अलग वेराइटी के जेमस्टोन्स है। सो मैंने आपको जैसे कहा 9 प्रकार के जेमस्टोन्स है, हीरा और पर्ल गिन के जैसे ये नेकलेस में है। उसके अलावा थर्ड ये एक बोल्ड स्टेटमेंट देता है, ये थोड़ा सा हटके आपकी जो यूजुअल आप ज्वेलरी पहनते हैं उससे थोड़ा हटके लगेगा। सो इसी में आप अलग अलग वैरायटी पहन सकते हैं और सिर्फ एथनिक नहीं आप ये वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। सो आज आप ड्रेस पहने, गाउन पहने, इनफैक्ट शर्ट्स या डेनिम्स भी पहने तो आप ये लुक पहन के आप फॉर्मल ओकेजन के लिए जा सकते हैं। एंड इसको ये ज्वेलरी है गुलेचा ज्वेलर्स की जो अनकट एंड पोलकी ज्वेलरी में स्पेशलाइज करते हैं। सो ये तो हो गया अगर आपको वेडिंग अटेंड करना है तो ये आप पहन सकते हैं, बट इन केस अगर आप ब्राइड हैं और आपको इसे और एनहेंस करना है लुक तो आप इसमें ये पोलकी का बाजूबंद है जो हम इंग्लिश में आमलेट कहते हैं वो आप यहाँ हाथ पे पहन सकते हैं। इसके अलावा आप ये नथ भी साथ में पहन सकते हैं। सो ब्राइड यूजुअली इंडिया में नथ तो पहनती ही हैं। सो आप पोलकी और पर्ल की नथ पहन सकते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे पहनी जाती है। तो ये ब्राइड्स के लिए हो गया, बट सिर्फ अगर आप ब्राइड मेड हैं, ब्राइड की मदर हैं और आपको बहुत हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है तो आप सिर्फ ये आमलेट जो बाजूबंद है ये पहन सकते हैं, नथ पहन सकते हैं, इयररिंग पहन सकते हैं और कफ पहन सकते हैं। इस लुक में आपको नेकलेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये आप दोनों ब्राइड की मदर हो, ग्रूम की मदर हो, सिस्टर हो या कोई इमीडिएट फैमिली में हो तो दे कैन वेयर दिस फॉर दिस ओकेजन। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नेक्स्ट लुक में मैं आपको किस तरीके से मल्टी कलर सफायर्स एंड डायमंड्स में इस लुक को एनहांस कर सकते हैं ये देखते हैं हमारे नेक्स्ट लुक में। सो ये है, ये जैसे आप देखेंगे ये डायमंड ब्रेसलेट है अलोंग विद मल्टी कलर सफायर्स। इफ यू कैन सी इसमें अलग अलग कलर के सफायर्स यूज किए हैं, ब्लू है, पर्पल है, येलो है, पिंक है, इसके इयररिंग्स है और ये नेकलेस है। तो ये नेकलेस इस लेंथ पे आ सकता है और इससे लंबा भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये ब्रेसलेट को खोलना है और इसमें अटैच करना है। तो इसे हम मॉड्यूलर ज्वेलरी कहते हैं या डिटैचेबल ज्वेलरी कहते हैं जहाँ पे आप इस ब्रेसलेट को नेकलेस में अटैच करके इसको और भी लंबा कर सकते हैं या सिर्फ आपको विदाउट नेकलेस पहनना है तो आप ये सिर्फ ब्रेसलेट और इयररिंग्स भी पहन सकते हैं या अगर आपका ओकेजन कोई है ऐसा जहाँ पे आपको वेडिंग वेयर के अलावा इसे पहनना है, वेस्टर्न आउटफिट या गाउन या ड्रेसेस के साथ पहनना है या सलवार कमीज के साथ भी पहनना है तो आप ये पहन सकते हैं एज इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट।
मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, इंडिया में लोगों को ये लगता है कि नीलम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के लिए ही पहना जाता है, बट उन्हें ये जानना चाहिए कि नीलम जब आपके स्किन पे टच करता है और उसकी सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, तब वो मेनली एस्ट्रोलॉजी के लिए पहना जाता है और वो आपकी हेल्थ के लिए या जो भी रीजन से आपको बताया गया है पहनने के लिए उसके लिए हेल्प करता है। बट जब ये ज्वेलरी में इस तरीके से सेट होता है जहाँ पे जेमस्टोन ऊपर उठा हुआ हो और आपके स्किन को ना टच करे, तो आप नीलम इजिली पहन सकते हैं। उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे सूट करेगा नहीं सूट करेगा, मैं पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती हूँ। तो वो किसी भी जेमस्टोन जो आप हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पहनने चाहिए, बट वो अगर आपके स्किन को टच करते हैं तो ही वो आपको आपके स्किन पे और हेल्थ पे असर करते हैं। बट अगर आप उसको ज्वेलरी के फॉर्म में ऊपर उठे हुए पहनेंगे तो आप कोई भी जेमस्टोन यूज कर सकते हैं और आप बेफिक्र होके। सो जैसे आपने देखा ये मल्टी कलर सफायर की ज्वेलरी बाय नेहा रूंगटा फाइन ज्वेल्स, ये आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हैं, जैसे रेड कार्पेट इवेंट हो गया, अगर आपको ड्रेसेस पे पहनना है, गाउन्स पे पहनना है, सलवार कमीज पे पहनना है, साड़ी या लहंगे पे पहनना, आप सब पे पहन सकते हैं। खाली आपको ये सोचना है कि आपको स्टाइल किस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लुक पे। अभी तक हमने जो देखा, डायमंड ज्वेलरी देखी, मल्टी कलर सफायर्स देखे, पोल की ज्वेलरी देखी, एंटीक ज्वेलरी देखी, अब हम आते हैं सिल्वर ज्वेलरी पे। जब हम जैसे हैवी नेकलेसेस और ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, ये सिल्वर ज्वेलरी में आपका रानी हार का काम करेगा। कई लोगों को ऐसे लगता है कि उन्हें डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत हैवी ज्वेलरी कैरी रियल में नहीं करनी है, या ब्राइड्स भी आजकल ऑप्ट करती हैं कि वो सिल्वर ज्वेलरी पहने क्योंकि उन्हें रियल ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है, तो वो इस तरीके की ज्वेलरी पहन सकते हैं फॉर देयर मेन डे। तो जैसे आपने देखा सिल्वर ज्वेलरी, ये आप दुल्हन भी पहन सकती है, उनकी मदर, ब्राइड्समेड, या आपको और कोई भी ओकेजन पे पहनना हो तो आप उसे पहन सकते हैं, जैसे संगीत के लिए भी पहन सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं मेरा बस चले तो मैं तो इसे एक ब्लैक ड्रेस पे भी या गाउन पे भी पहन सकती हूँ, क्योंकि वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा इंडियन एंड वेस्टर्न लुक का। तो इसमें जैसे आप देखेंगे मैंने टोन ऑन टोन लुक दिया है, मेरी ड्रेस फूशिया कलर की है एंड इसमें इस नेकलेस में सिमिलर कलर के टोन्स है, जिसमें पर्ल थोड़ा सा अलग है, पर्ल के ड्रॉप्स एंड हैंगिंग्स है ताकि वो लुक एनहेंस कर रहा है। पर अगर आप चाहें तो ये अलग दूसरे कलर्स पे भी पहन सकते हैं। पर जब आप इतनी बोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपके कपड़े थोड़े अंडरटोन्ड हो, या तो अगर आप फुल्ली टोटल बोल्ड लुक दे रहे हैं तो आप ऑल आउट जाएं, बट एक बैलेंस का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हैवी नेकलेस और इयररिंग पहनी है तो मैंने हाथ में कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी है, और अगर मुझे इसको दूसरा लुक देना होता तो मैं सिर्फ नेकलेस के साथ शायद मांग टीका पहन लेती और इयररिंग्स नहीं पहनती, और अगर मुझे ये इयररिंग्स ही सिर्फ पहनने होते तो हो सकता है मैं साथ में एक बड़ी रिंग और एक कफ पहन लेती। तो इयररिंग्स को आप अगर देखेंगे, आप इस इयररिंग को सिर्फ एथनिक वेयर पे नहीं, आप इसको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डेनिम्स पहनना है, कोई साथ में इवनिंग वेयर के लिए शर्ट पहनना है या टॉप पहनना है, आप उसको इसके साथ भी पहन सकते हैं। तो थोड़ा आपको एक्सपेरिमेंट, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा कि अलग तरीकों से आप ज्वेलरी कैसे पहन सकते हो। सिर्फ उसको लिमिटेड नहीं रखें कि हम ये सिर्फ शादी में पहन सकते हैं, या हमारे एक बार हमने शादी में पहन ली और फिर उसको लॉकर में रख दिया। इनफैक्ट आप इसको इतने ओकेजन पे यूज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कौन से कपड़ों के साथ उसको ये पहने। और आप अगर मेरा सुझाव ट्राई करेंगे जो मैं आपको इस सेशन में बता रही हूँ, तो आप डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि आप जो लॉकर में ज्वेलरी है उसमें लॉकर में नहीं रख के आप इनफैक्ट उसको घर में यूटिलाइज करना चालू कर लेंगे। सो जैसे हमने यहाँ आपको बताया ये संगीता बुचरा की ज्वेलरी सिल्वर में है, आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लुक ऑफ सिल्वर ज्वेलरी में, जो कथक की
फिलिग्री ज्वेलरी है। जनरली ओडिशा में जो डांसर्स है वहाँ वो ये इस ज्वेलरी को पहनते हैं, एंड दिस ज्वेलरी ज़्यादातर ये इंस्पायर होती है ओडिशा के टेम्पल से। सो आप जैसे इसमें देखेंगे, इसमें इतना महीन काम किया हुआ है कि वहाँ के ये आर्टिजन्स इतनी मेहनत से इनको बनाते, एक एक तार जोड़ के उसको शोल्डर करते हैं। तो वहाँ की जो ब्राइड्स है वो भी, ओडिशा की ब्राइड्स यूजुअली इस तरह की ज्वेलरी पहनती है। ये मैंने दो बोल्ड रिंग्स पहने हैं, आप जैसे देखेंगे ये नेकलेस पहना है, इस तरीके का कमरबंद पहना है। सो आप यहाँ पे अगर देख सकें तो ये कमरबंद है और इसके साथ में बाजूबंद है और ये इयररिंग्स भी है। तो ये तो हो गया ब्राइडल लुक। तो अभी फिलहाल जो मैंने कलर पहना है इस पे आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रास्ट में पूरा दिखेगा, बट आप इसको, आप इनफैक्ट अगर दूसरे कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो आप संगीत के लिए सिर्फ बाजूबंद भी पहन सकते हैं इयररिंग्स के साथ, या रिंग के साथ हो सकता है सिर्फ कमरबंद भी पहन सकते हैं। इनफैक्ट कमरबंद तो आप अगर आप गाउन पहनते हैं या ब्लैक ड्रेस पहनते हैं या कोई भी रंगीन जो सॉलिड कलर की ड्रेस है उस पे ये कमरबंद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप पार्टीज में जाएं या कोई भी इवेंट के लिए जाएं, आप अगर ये पहन लिए तो यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मार्क माई वर्ड्स। नाउ इसमें एक और चीज़ है, जो वहाँ की ओडिशा की डांसर्स है उनके बाल बहुत घने होते हैं, एंड वो जो जूड़ा बनाती हैं विच इज अ बन, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं हेयर बन, उस पे इस तरीके का हेयर एक्सेसरी पहनती हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरे बाल उतने घने नहीं है या उतने बन बना हुआ नहीं है, बट इसको मैं पीछे जरूर लगा लेती अगर मेरा बन बना हुआ होता। बट मेरे पास इसके लिए एक और आइडिया है, अगर आप इसको बन में नहीं भी पहनना चाहें तो आप अगर कोई बोल्ड या ड्रेस पहन रहे हैं या एथनिक वेयर पहन रहे हैं, आप उसको सिंपली इस तरीके से आपके टॉप पे लगा सकते हैं, एंड यू कैन वेयर इट एज अ पेंडेंट। तो आप इनफैक्ट देखिए अभी इसका लुक कम्प्लीटली ही चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने, दिस इज एक्चुअली लुकिंग लाइक यू नो सूरज की किरणें मेरे पे आ रही है, आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव अबाउट इट। एंड सो आप जैसे देखें ये पेंडेंट का काम कर रहा है, ये ब्रोच का काम भी कर रहा है, एंड इनफैक्ट ये लुक थोड़ा अलग लगेगा। एंड इनफैक्ट लोग, आई एम श्योर कि लोग आपको आके पूछेंगे कि आपने कहाँ से बनवाया है। सो हमारे जो इंडिया के कारीगर है उनको बहुत टाइम लगता है ये एक एक पीस जोड़ने के लिए, एंड मैं इस चीज़ में रियली बिलीव करती हूँ कि हमें आर्टिस्ट, जो इंडिया के आर्टिस्ट है, कारीगर्स है, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनकी जितनी भी मेहनत है उस ज्वेलरी को रिवाइव करना चाहिए। तो ओडिशा की ये ज्वेलरी तो एक तरह की हो गई, पर इंडिया में इतने सारे शहर एंड स्टेट्स है उसमें भिन्न प्रकार की ज्वेलरी हमें दिखने मिलती है। गुजरात की अलग हो गई, मध्य प्रदेश की है, साउथ इंडिया की टेंपल ज्वेलरी है, अलग अलग और भी तरह की ज्वेलरी है। ईस्ट इंडिया की आप देखेंगे तो फिलिग्री वर्क बहुत फेमस है, नॉर्थ का कश्मीर का देखेंगे तो सिल्वर ज्वेलरी जिस तरीके से वो पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो कश्मीरी है तो वो ही पहन सके, हम भी उसे पहन सकते हैं, हमारे ऊपर है हम उसे किस तरीके से स्टाइल करें। तो आप वो कश्मीरी वेडिंग हो, हिंदू वेडिंग हो, सिख वेडिंग हो, हम उसे कहीं भी पहन सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके को ज्वेलरी को अडेप्ट करते हैं हमारे स्टाइलिंग के लिए। आई होप जो मैंने आपको जितनी भी टिप्स दी है इस स्टाइलिंग सेशन में फॉर वेडिंग ज्वेलरी या एनी ओकेजन, आपने ये इंजॉय किया, एंड आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। आप भले ही बाहर पहन के ना जाए पर घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप पे कैसा दिखता है, और अगर आप इसे पहनेंगे भी तो अगर हमें फोटो भेजेंगे हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि हम इसको सोशल मीडिया पे पब्लिश करें। मेरी तरफ से आज के लिए आपके लिए इतना ही टिप्स काफी है, अगले बार मैं आऊंगी और भी सुझाव एंड टिप्स लेके। स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। Thank you.